सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में दर्शन व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ हरियाणा से आए श्रद्धालुओं ने मारपीट की, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस जाप्ते ने व्यवस्था बनाते हुए 2 महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान महेंद्रगढ़ के गांव बसई निवासी विकास, कुलदीप, शारदा देवी, नीलम व रोहतक की शिवाजी कॉलोनी निवासी संदीप और चरखी दादरी के गांव कारीरूपा निवासी अलबिंदर के तौर पर हुई है। गौरतलब है कि रविवार के कारण बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ बढ़ गई, जिसके चलते सुरक्षा व दर्शन व्यवस्था में ड्यूटी दे रहे श्री श्याम मंदिर कमेटी के गार्डों के साथ मारपीट की और जब पुलिसकर्मी ने समझाइश की तो उनके साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। थाने में सूचना पर अतिरिक्त जाप्ता भेजा तो उनके साथ भी मारपीट करने लग गए, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आज आरोपियों को कोर्ट में पेश करेंगी। दोपहर के अंदर जो एंट्रेंस गेट है वहां पर अपने मंदिर कमेटी की गार्ड के साथ हरियाणा के कुछ युवकों ने जबरदस्ती से उनके साथ हाथापाई करके गाली गलौज करके एंट्रेंस करने की कोशिश की थी, जो वृद्धजन और विकलांगों के लिए रास्ता बना उसके लिए, जबकि उनके लिए 14 लाइन अलग बनी हुई है और वो काफी गंदे तरीके से गालियों का यूज कर रहे थे, जबरदस्ती उनके साथ हाथापाई करने लगे मंदिर कमेटी के गार्डों के साथ। तो इस पर सूचना पर पुलिस जाप्ता पहुंचा तो पुलिस के साथ भी वो बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव कर रहे थे और उनको काफी समझाइश की, भाई इस प्रकार से मंदिर में आप गाली गलौज नहीं करें, हाथापाई नहीं करें, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं हुए। फिर उनको अपने थाने पर ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।